आज ही अपनी सीट बुक करें, रहना खाना बिल्कुल फ्री होगा और आपका बोर्ड भी आपको ट्रेसिंग के हम देंगे, ड्यूल डेकर का भी एक बोर्ड आपको हम देंगे और सब फ्री में रहेगा। बस आपको अपने फॉल्टी फोन लाने हैं ताकि उसको आप ट्रेस कर सकें कि यहाँ पर कोई भी कॉम्पोनेंट मेरा शॉर्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है मुझे जो यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है। अब देखिए, अब सपोज़ मान के चलिए अगर मैं बी बैट पर टच करता तो देखिए क्या होता। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले ग्राउंड का जिया चेक कीजिए, देखिए। तो अगर कैपेसिटर के दोनों ओर सेम जिया आ रहा है तो मतलब गेम आपका शॉर्ट है। ये आईफोन 8 है और एक्स के ऊपर है तो आपको शॉर्टिंग बी बैट पे मिलेगी, नहीं तो मिलेगी VDD पर। और अगर ये एंड्रॉयड है तो आपकी शॉर्टिंग बी बैट पे मिलेगी, नहीं तो मिलेगी BPH पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइन कौन सी है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये कंपोनेंट आपके बीप दे रहे हैं और ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है VCC। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये VCC जा रहा है वहाँ वहाँ आपको हर कंपोनेंट शॉर्ट मिलेगा। ये देखिए, ये हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है, आप लोग बहुत लाइक करते हो वीडियो को और कमेंट भी करते हो और वीडियो आई होप कि शेयर भी करते होंगे और वीडियो देखते भी हैं और जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करते होंगे। दोस्तों, हमारे जो चैनल है वो एक मोबाइल ट्रेनिंग के वीडियो लेके आता है जिसमें आपको बहुत सारे वीडियो मोबाइल ट्रेनिंग से जुड़े हुए और बहुत सारे वीडियो आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट के रिव्यू और ये सब कुछ आपको मिल जुल कर मिलता है, जिसमें आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं और ये भी पता चलता है कि इंस्टीट्यूट किस तरह किस लेवल पर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उनका क्या आउटपुट है। तो बहुत सारे वीडियो हम लेकर आते हैं और अभी हमने हमारे स्टूडेंट के कुछ वीडियो दिखाए हैं। आप चाहें तो YouTube पर जाकर, एक दूसरे चैनल है हमारा जो प्रोफेशनल चैनल, उस पर जाकर आप उसको वीडियो को अब देख सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ आप हमारे Instagram अकाउंट में भी जाइए, Instagram अकाउंट की ID मैंने नीचे दी है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ वॉलपेपर Instagram का, आप उसको फॉलो कीजिए और काफ़ी फॉलोअर्स हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ पर और हर डेली फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं हमसे, वहाँ भी सवाल करते हैं, हम वहाँ पर भी उनको आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है, सपोर्ट हम हर एक को करते हैं बट एक लिमिट तक। अब आप पूछेंगे सर ये सेक्शन कैसे काम करता है, तो इसके लिए एक मैसेज में आप भी समझ सकते हैं कि हम आपको ना समझा सकते हैं ना आप उतना समझ सकते हैं, उसकी एक प्रोसीजर होती है जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलो, ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक छोटा सा नॉर्मल वीडियो है और ये ऑलरेडी इसमें मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। अभी की डेट में जितने जो यूट्यूबर आ रहे हैं, जो दुकान वाले वीडियो बना रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, आप सोचिए कि जब वो इस फील्ड में भी नहीं थे, हम तब से वीडियो बना रहे हैं, तब से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। ऑब्वियस हमें जैसे वीडियो बनाने की बात करेंगे, काम करने की बात तो बहुत दूर है। दोस्तों, मेरे पास एक आईफोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये कुरियर से यहाँ पर एक आईफोन है मेरे पास और ये आईफोन है iPhone 6s और ये फ़ोन डैड में है। तो इस वीडियो को, इस फ़ोन को हम पट से और झट से ऑन करते हैं और सच बताएं कि ये नॉर्मल काम है, ये आप भी सीख सकते हैं। और आप जब आएंगे तो हम आपको जो प्राइमरी सेकेंडरी सॉर्टिंग ये सब, तो दोस्तों हम कभी स्टूडेंट से ना इनकी बात करते ना वीडियो में कहेंगे कि ये आप सब निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक बेबी बर्ड है, जैसे बोलते ना बच्चे का काम, बच्चों का काम है, हम आपको सिखाएंगे एकदम डीप लेवल पर। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है और एक अच्छे एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना है जो आपको लंबे समय तक आपसे जुड़े रहे बिना किसी निस्वार्थ मतलब आपसे कोई बिना फीस लिए हुए, किसी बड़ा प्रकार के बिना कोई आपसे ये ना ही हम ये चाहेंगे कि आप हमारे नाम का डंका बजाएं, यहाँ से आने के बाद पावर वाय एसर टेलीकॉम या ऐसा कुछ लिखें, हम भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और कोई एक साल
अगर आप 2 साल 3 साल अगर आप 5 साल बाद भी आएंगे तो भी आपका स्वागत है, द्वार खुले हुए हैं। बट आपके संबंध हमसे बहुत अच्छे होने चाहिए, आपसे बातचीत होनी चाहिए, हमारे प्रोटोकॉल आप फॉलो करें, बस हम यही चाहते हैं। और जो क्योंकि हमारे पढ़ाने के एक नियम होते हैं, वो नियम बस फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना टाइम अपने पढ़ाई को या अपनी जो भी प्रैक्टिस को नहीं देंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल बनेंगे, है ना? कुछ ना करके और बोलेंगे कि सर नहीं बन रहा, तो ये तो गलत बात है ना। सो ये बात भी आप समझिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। ये फ़ोन डेड है और इसको मैंने पीसीबी बाहर कर लिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कंपोनेंट की जो पेस्ट होते हैं, कई बार हमें इन कंपोनेंट पे काम करना पड़ता है किसी प्रकार का जंपर मारने के लिए या सप्लाई बनाने के लिए। तो इस कंपोनेंट के पेस्ट को कैसे निकालें, एक सेफ मेथड से, ये भी आप देखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्रा लगा हुआ है सीपीयू के ऊपर, ये आपका बेसबैंड है, इसके ऊपर लगा हुआ है नेटवर्क सेक्शन। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का पत्रा निकला हुआ है, मतलब यहाँ पे हल्का काम हुआ है और काफ़ी डस्ट है यहाँ पर। और ये आपका नैंड है और यहाँ पे पावर पे पत्रा लगा हुआ है और यहाँ पत्रा लगा नहीं होता है। तो अभी तो नॉर्मल है, तो चलिए इस पर थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि क्लीन करने पर भी फ़ोन को डेड कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है कि क्लीनिंग के टाइम पे आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग में कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो, कौन सा आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देने बात होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आपका जो बेस बैंड है सीपीयू, उसका पावर आईसी है, इसको BBPMU कहते हैं। ये आपका U2 आईसी है, ये आपका WTR जो कि आपको एंड्रॉयड में मिलता है, ठीक है? इसको ट्रांस रिसीवर कहते हैं। और ये इसके जो स्विचिंग और सब के सेकेंडरी आईसियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ चार्जिंग और DC-to-DC आईसी है यहाँ पर। चलो और भी आईसीओ को हम यहाँ पे छोटा सा आपको OVP आईसी मिलेगा, एक ओवर प्रोटेक्शन जो कि आपकी बैट सेक्शन में लगा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाना चाहूँगा। तो जैसे ही मैं कनेक्टर पर लगाता हूँ, देखिए एक तो मैंने आपको कनेक्टर दिखा दिया और एक यहाँ पे जूम करके आपको डीसी की रीडिंग दिखाता हूँ कि फ़ोन में एक फुल शॉर्टिंग आ रही है। देखिए अभी फ़ोन में किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि मैंने केबल लगाया नहीं है। तो मैं जैसे ही फ़ोन को कनेक्ट करूँगा एक फुल शॉर्टिंग मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SysS और जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा ये देखिए तो फ़ोन में शॉर्टिंग आ रहा है, लगभग पूरा एम्पियर ये चूस रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है। देखिए तभी भी अगर आपको मेन इसको देखो बहुत अच्छा तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो सारी क्लासेस क्लास में ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। बट इसको मैं आपको सच बताऊँ तो जब भी आपको अगर कनेक्टर पर इस तरह की शॉर्टिंग आए तो आप ये समझिए कि आपकी जो शॉर्टिंग है ये या तो VBAT पर है या तो आपकी एंड्रॉयड की बात करें तो BPH या SYS। पर अगर ये आईफोन है तो यहाँ पर VBAT या तो VDD और यहाँ पर बेसिकली आईफोन 6-8 के पहले ये होता है VCC। सो यहाँ पे या तो VCC पर है या तो ये है VBAT पर। सो ज़्यादातर जो है वो VCC पर होता है। तो आप यहाँ पर रीडिंग भी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर रीडिंग दिखाऊं तो ये रीडिंग देगा आपको। देखिए कूल टेस्टिंग करूंगा डायोड मोड पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड मोड पे यूज़ किया मैंने। ये देखो ये तो ग्राउंड है आपका, ये आपका SWI बोलते हैं इसको, BSI बोलते हैं, मतलब SWI बोलते हैं यहाँ पे सिंगल वायर इंटरफेस। और ये आपका VBAT। सो देखो VBAT पर रीडिंग बिल्कुल सही है, पर अगर रिवर्स करूँगा तो यहाँ पर रीडिंग 1000 के नीचे आएगी। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये एक मेजर शॉर्टिंग है। अगर ये 800 के ऊपर 600-700 के ऊपर होती तो ये सेकेंडरी शॉर्टिंग होती, और 1000 के नीचे है तो ये शॉर्टिंग में ही है फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी VBAT की लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है। कहने की बात ये है कि हमारी VBAT की लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है, तो अब बचा क्या? याद रखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद है तो मैंने क्या बोला था
कि या तो सॉर्टिंग आपको क्यों पैन मिलेगा क्या? Yes. वैसा नहीं मारकर। तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने बोला था या तो आपको सॉर्टिंग बी बैट पे मिलेगी नहीं तो VCC पर। और अगर ये आईफोन 8 है और X के ऊपर है तो आपको सॉर्टिंग बी बैट पे मिलेगी नहीं तो मिलेगी VDD पर। और अगर ये एंड्रॉयड है तो आपकी सॉर्टिंग बी बैट पे मिलेगी नहीं तो मिलेगी BPH पर। तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे क्योंकि एक चार्जिंग IC है। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले ग्राउंड का GR चेक कीजिए, देखिए। तो अगर कैपेसिटर के दोनों ओर सेम GR आ रहा है तो मतलब गेम आपका शॉर्ट है। ये देखिए, ये एक कैपेसिटर मिला हमको, यहां पर भी बीप और यहां पर भी बीप। और ये जो लाइन है, आइए इन लाइनों को देखते हैं कि ये लाइन कौन सी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन कौन सी है, तो यहां पर ये देखिए, ये कंपोनेंट आपके बीप दे रहे हैं और ये यहां पर आपको दिखा रहा है VCC। आप देखेंगे कि जहां जहां ये VCC जा रहा है वहां वहां आपको हर कंपोनेंट शॉर्ट मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ लाइट सेक्शन है, यहाँ शॉर्ट मिलेगा, पावर AC के पास मिलेगा। जो जो IC VCC लेता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में हम पहला काम तो करेंगे और जो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट और जो कि नॉर्मल है, हम रोजीन लगाएंगे और BPH पे ही वोल्टेज देंगे। और अगर मान लो BPH से नहीं हमारे को मिलता है तो हम फिर VCC पे वोल्टेज देंगे। आप समझ रहे मेरी बात, पहले VPH पर फिर VCC पर। चलिए तो रोजीन लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे भी लगाएंगे और अभी फ़िलहाल यहाँ पर, उसके बाद में अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो पावर AC वाला जो कवर है उसको ओपन करेंगे। तो हम डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर है, हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज देते हैं और देखते हैं कि कोई कंपोनेंट है जो या AC है जो निकल कर आती है। तो आप देख सकते हैं एक मैंने वायर बनाया हुआ है DC से वोल्टेज देने के लिए। ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है।
देखिए माइनस को मैंने यहाँ पर टच किया हुआ है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे टच करूँगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट मेरा शॉर्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है मुझे जो यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है। अब देखिए, अब सपोज मान के चलिए अगर मैं बी बैट पर टच करता तो देखिए क्या होता। बी बैट पर टच करता मतलब सीधा ये केबल लगाता, ये देखिए केबल लगा दी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं ऑन ऑफ की और बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर दो चीज़ें जो नोटिस करने लायक हैं। पहली तो आप देखिए हमें कैपेसिटर तो मिला बट हमारे को ये आईसी भी यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो वी बैट है वो इन्हीं आईसी से होते हुए जा रहा है। ये एक ओबीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो कि आपके बैटरी कनेक्टर से आपकी चार्जिंग के आउटपुट के बीच में लगा हुआ है, और जो आपका बैटरी का जो 4 वोल्टेज है वो एसी से होते हुए जाता है कि अगर कुछ शॉर्टिंग भी हो तो ये रोक देता कि आपकी बैटरी वो सही रहे, बैटरी फूले ना। तो बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इस आईसी पे काम करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जहाँ शॉर्टिंग है वहीं पे टच करना है। यहाँ मैं वीबेट पे टच नहीं करता, यहाँ मैं वीसीसी पे टच करता। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया दोस्तों, और इससे भी ज़्यादा टेक्निक देंगे सेकेंडरी एक बार में बैठ जाए, समझ में आ जाए एक बार। बट आपको इसे टेलीकॉम आना पड़ेगा जबलपुर मध्य प्रदेश, और सर अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, और हम पे भरोसा करना पड़ेगा जीवन भर सपोर्ट के लिए, और उन लोगों पर भरोसा करके जो कम फीस में पढ़ा रहे हैं, जो आपको एक्स्ट्रा देने की बात करते हैं, जो आप वो सोचिए कि वो बस वही हैं कि जो एक होता है ना कि 2000 और 200 रुपये वाले में अंतर, बस वही हैं दोस्तों। कोई भी अगर मान लीजिए आप भी सोचिए, अगर आप भी एक इंस्टीट्यूट खोल लें तो आप थोड़ी ना आप उस इंस्टीट्यूट के बराबर अपनी फ़ीस लेंगे या उतना सपोर्ट दे, आप तो बस ये करेंगे कि मैं उतना ही पढ़ाऊँगा पर कम फीस में, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपका मार्केट में काम जब बैठे तो इसलिए आप उसको कम दाम में शुरू करेंगे। बट क्या आप खुद सोचिए कि एक सिंगल व्यक्ति या एक दो व्यक्ति मिलके आपको सपोर्ट दे पाएंगे, तो या तो वो अपनी क्लास चलाएंगे या तो आपको सपोर्ट देंगे, पर तो लोगे, पर ये बात मेन है। आइए इस कैपेसिटर को निकालते हैं। और अब इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। बजर मोड पे तो देखिए कैपेसिटर शॉर्ट है।
तो जो हमने कैपेसिटर निकाला है, पहले हम देख लेते हैं कि वो हमारे किस लाइन पे लगा हुआ था। तो देखिए, ये कैपेसिटर हमने निकाला है और ये हमारी रेडियो OPMIC मतलब हमारा BBPM के बीच में लगा था, और ये लाइन थी आप देख सकते हैं VCC में, जो कि बहुत जगह जा रही है। ये देखिए, काफ़ी जगह जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा फ़ोन तो ऑन हो गया है पर हमारा डिस्प्ले नहीं आया। तो ये जो डिस्प्ले है ये भी क्रैक है, तो ये हो सकता है कि ये ख़राब हो। एक बार मैं डिस्प्ले फिर से लगा के चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। डिस्प्ले कनेक्टर, जैसे कि मैंने बोला, डिस्प्ले क्रैक है। देखिए, क्रैक तो है बट फ़ोन ऑन हो गया है लोगों के साथ। सो ये आप देख सकते हैं, दोस्तों इसको बनाने में मुझे हार्डली से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बस ये वीडियो बनाने के चक्कर में ये इतना मिनट लग गया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। ये आप देख, ये देखिए, ये हमारा पासकोड आ गया विद टच वर्ड के साथ। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। और वीडियो में एक चीज़ मैंने पहले बोली थी कि मैं आपको वो कंपोनेंट का निकाल के, तो एक वीडियो में एक और बनाता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो इसके वो वीडियो देखने के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इसी चैनल पे 2 दिन के अंदर आएगा। थैंक यू वेरी मच। और आज ही अपनी सीट बुक करें, रहना खाना बिल्कुल फ्री होगा और आपका बोर्ड भी आपको ट्रेसिंग के हम देंगे, ड्यूल डेकर का भी एक बोर्ड आपको हम देंगे और सब फ्री में रहेगा। बस आपको अपने फॉल्टी फ़ोन लाने हैं ताकि उसको आप ट्रेस कर सकें। आपका फ़ोन बने ना बने पर आपको फ़ोन को ये रीज़न ज़रूर पता चलेगा कि सर क्यों नहीं बना। और इसलिए बोल रहा हूँ कि उतना हालत बुरा लेकर आओ कि अगर किसी ने दोस्तों, क्योंकि किसी ने अगर फ़ोन में छेद भी किया है या फ़ोन की PCB में उसने कोई हरकत भी की है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस रीज़न से नहीं बना, पावर से, CPU से, MMC से या कोई और IC से। तो आइए जरूर इस
इस वीडियो को पूरा देखकर, इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे सॉर्टिंग सही तरीके से निकालें, और अब तक के इतिहास में ये वीडियो आपको हो सकता है कि पहला और एक अनोखा मिले। सो इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।